Qualcomm ने Snapdragon 8 Elite अनाउंस कर दिया और इस प्रोसेसर की खास बात यह कि अब यह प्रोसेसर पूरी तरीके से टक्कर ले रहा है Apple के A18 Pro से और हर मामले में Apple के A18 Pro को यहाँ पे हरा रहा है। लेकिन इस प्रोसेसर में ऐसा क्या है कि सारा का सारा गेम बदल सकता है स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए। सबसे पहले बात करता हूँ कि Snapdragon 8 Elite का नाम 8 Elite क्यों रखा गया और जनरेशन 4 क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 2, 8 Gen 3 तक क्या था कि ये लोग ARM के डिजाइन को यहाँ पे यूज कर रहे थे। लेकिन 8 Elite के अंदर इस बार पहली बार जो Qualcomm है उन्होंने अपने खुद के कस्टम Oryon कोर्स को यहाँ पे यूज किया। अब Oryon कोर्स की सिंपल सी कहानी में समझाता हूँ क्या है। Oryon कोर्स यहाँ पे लिए गए नोवियन नाम की कंपनी से जिसे कुछ साल पहले Qualcomm ने एक्वायर किया था, जो कि ARM के डिजाइन पे कस्टम कोर्स यहाँ पे बना रही थी, जिसकी स्पेशलिटी यहाँ पर ये थी कि आपको परफॉर्मेंस तो देंगे लेकिन बैटरी आपकी कम खाएंगे, यानी कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। यानी कि सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी क्या होता है कि आपको एक मोबाइल फोन के प्रोसेसर में लो पावर एफिशिएंट स्कोर देखने को मिलते हैं, फिर परफॉर्मेंस स्कोर मिलते हैं। एफिशिएंट कोर्स परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा नहीं निकालते लेकिन आपकी बैटरी बचाते, लेकिन बीच में जो परफॉर्मेंस स्कोर होते हैं वो जब किक इन होते हैं तब आपको ट्रू परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इस वजह से कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक फ्लैगशिप फोन हम चला रहे हैं उसे पावर सेवर मोड में ज्यादा लंबे समय तक यूज करें तो वहां पर भी लैग और वैसी परफॉर्मेंस का एहसास देखने को नहीं मिलता जैसा आपको मिलना चाहिए। ये प्रॉब्लम Oryon कोर्स ने यहाँ पे फिक्स कर दी। इसके साथ ही एलीट नाम इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले सिमिलर डिजाइन पे इन्होंने एक्स एलीट को निकाला था और स्नैपड्रैगन एक्स एलीट के अंदर भी यही चीज रखी थी, जहां पे विंडोज पावर्ड लैपटॉप्स के अंदर आपको बेटर परफॉर्मेंस और बेटर बैटरी लाइफ मिले और वो चीज इन्होंने यहाँ पे प्रूव भी करके दिखाई दी। इवन कुछ केसेस में एप्पल के M3 मैकबुक से ज्यादा बैटरी निकाल कर दी थी स्नैपड्रैगन एक्स एलीट ने वहां पे, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज थी। अब वही चीजों को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है और इस वजह से स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक बिल्कुल एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है प्रोसेसर के अंदर, स्पेशली फ्लैगशिप वंस में। लेकिन इसके बाद जाके बात करते हैं कि 8 एलीट के अंदर और क्या चीजें की गई है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे एफिशिएंट कोर्स टोटली देखने को नहीं मिलते, इसकी जगह परफॉर्मेंस कोर है और प्राइम कोर्स है, क्योंकि इस बार इन्होंने मेन मोटिव ये रखा है कि आपको परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हम बैटरी लाइफ भी अच्छी निकाल कर देंगे। और जो प्राइम कोर्स है वो तो 4.3 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे जा रहे हैं और 4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर अक्सर हमने मोबाइल फोन में सुना अगर कोई भी प्रोसेसर चाहता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा हीटिंग आपको देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे हीट और थर्मल्स और बैटरी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया। ये एक काफी बड़ा एडवांसमेंट है इस चिप के साथ। इसके साथ अगला बड़ा जो एडवांसमेंट जो Qualcomm इंट्रोड्यूस कर रही है वो कर रही है 8 ईयर्स के अपडेट का, यानी कि Qualcomm के साथ मिलकर एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स जो है वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट पावर फोन को अप टू 8 ईयर्स तक यहाँ पे सपोर्ट दे पाएंगे। देखो ये ट्रेंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मोबाइल फोन आज के समय में बहुत ज्यादा एडवांस हो रहे हैं और कोई इंसान उन्हें लंबे समय तक चलाना चाहे तो चला सके। ये टेक्नोलॉजी अगर आज के समय में तैयार हो रही तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक प्रॉब्लम रहती है अपडेट की, क्योंकि जब एक मोबाइल फोन पुराना हो जाता है तब सिक्योरिटी पैच पुराना हो जाता है जिस कारण से कोई मालवेयर वायरस अटैक कर सकता है, और दूसरी चीज ये कि ज्यादा पुराने मोबाइल फोन पे नई एप्स का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अपडेट अगर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, स्पेशली सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट, तो आपका जो मोबाइल फोन है वो प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ आएगा, साथ ही साथ जो फ्यूचर की जो एप्स होंगी उनका भी प्रॉपर सपोर्ट देगा। यानी कि एक ऐसा फोन आज के समय में तैयार करो फ्लैगशिप लेवल का जो आने वाले समय में भी बढ़िया चले और अच्छी फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन निकाल कर दे। और हाँ, बैटरी मैनेजमेंट के अंदर भी एक अच्छा काम यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर किया। लेकिन इसके साथ एक और एक एडवांसमेंट भी इन्होंने यहाँ पर किया, वो है TSMC की 3NE यानी कि 3nm टेक्नोलॉजी को यूज करना। बेसिकली लास्ट ईयर तक क्या था कि एप्पल ने यहाँ पे TSMC की 3nm चिप का जो मेजोरिटी यील्ड होता है ना वो खुद अपने पास ले लिया था, जिस कारण से Qualcomm भी बनाना चाहती थी, MediaTek भी बनाना चाहती थी, लेकिन ये दोनों यहाँ पे कूद नहीं पा रहे थे। इस बार क्या किया कि यहाँ पे Apple ने अपना A18 Pro निकाल दिया, उसके बाद यहाँ पे बारी आती MediaTek की, उन्होंने अपना चिपसेट निकाला, लेकिन अब Snapdragon ने भी अपना चिपसेट निकाला है। लास्ट में वो लोग अपना फ्लैगशिप प्रोसेसर लेकर आए हैं, लेकिन एक अच्छी बात आपको बता सकता हूँ कि इस प्रोसेसर के साथ आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल रही है बेंच मार्किंग में, ऑलरेडी एप्पल के A18 Pro को बीट कर, यानी कि आईफोन से तो यहाँ पे हम बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही बारी आती गेमिंग के अंदर एंड्रॉइड GPU की। GPU के अंदर भी यही काम किया, पहले तो 40% से ज्यादा परफॉर्मेंस दे दी। देखो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट तो अच्छी बात थी, लेकिन इस बार अच्छा काम किया कि 40% परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट तो दिया, लेकिन 40% रिडक्शन भी दिया पावर कंजम्पशन में। यानी कि इस बार का जो नए GPUs होंगे ये पहले से कम पावर लेंगे लेकिन आपको ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल कर देंगे। और इवन एक्सटेंसिव गेमिंग किसी को करनी है, जैसे कि अपकमिंग ROG फोन हर अगर उसके साथ कोई गेमिंग वगैरह हैवी करना चाहते हैं तो वो चीज यहाँ पर पॉसिबल है। इसके साथ ही अनरियल इंजन 5 का सपोर्ट है,
रे ट्रेसिंग का सपोर्ट है और जो हैवी प्रीमियम गेम्स होते हैं जो अगर आप मोबाइल फोन में अगर आप इंजॉय करना चाहो तो वो यहाँ पे पॉसिबल है। यानी कि बस अब आज के समय में क्या कि हार्डवेयर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, गेम डेवलपर के हाथ में चीज़ें हैं। अगर गेम डेवलपर इन सारी चीज़ों को यूटिलाइजेशन करके कमाल का AAA टाइटल निकालना चाहें वो आज के समय पॉसिबल है। इवन ये जो गेमिंग के अंदर एक्सपीरियंस रह गई ये iPhone 16 Pro के Apple A18 Pro चिप को भी यहाँ पे बीट कर देगा। और इसी के साथ ही बात करें इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्या यार NPU यहाँ पे दिए गए हैं ऑलरेडी और पहले से ज़्यादा पावरफुल है, जिसका मतलब ये कि ये मल्टी मॉडल AI को यहाँ पे सपोर्ट करता है। ऑन डिवाइस कुछ आपके SLM जो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं उन्हें यहाँ पे रन कर सकते हैं, जेमिनी नैनो को रन कर सकता है फॉर एग्जांपल। इवन यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है खुद के इमेज जनरेशन टूल्स का, यानी कि ऑडियो जनरेशन के बारे में बात करूँ, आपकी फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग के अंदर मदद करने में बात करें, या फिर एक छोटा सा लैंग्वेज मॉडल यहाँ पे रन करना है, सारी चीजें विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन रन करेगा। और ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा फ्यूचर के AI डिवाइसेस के लिए, यानी कि फ्यूचर के अंदर मोबाइल फोन के अंदर जो लोग ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा फीचर चाहते हैं, ये एक प्रोसेसर होगा जहां पे आपको एक बेटर एडवांसमेंट मिलेगी। हालांकि एक बात बता देना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर ये चीजें डिपेंड करेंगी कौन सी कंपनी इसका किस तरीके से यूज करना चाहती है और किस तरीके से इसकी AI कैपेबिलिटीज को दिखाना चाहती है वो है। सैमसंग की गैलेक्सी AI का नेक्स्ट वर्जन हम लोग सैमसंग गैलेक्सी S25 के लॉन्च के टाइम अनाउंसमेंट उसका सुन सकते हैं, जिसके बाद आपको शायद जो नए गैलेक्सी AI के फीचर होंगे वो आपको ऑन डिवाइस AI के रूप में यहाँ पे देखने को मिले। इसी के साथ ही यहाँ पे स्नैपड्रैगन X80 मोडेम को यूज किया गया है, जहाँ पे 10 Gbps की डाउनलिंक स्पीड और 3.5 Gbps की अपलिंक स्पीड है। यहाँ पे आपको 6 कैरियर एग्रीगेशन है, 6 एंटीनास देखने को मिलेंगे 5G के लिए। इवन यहाँ पे आपको AI सपोर्ट मिलेगा एंटीनास का मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि आप किसी भी कंडीशन में मोबाइल फोन को ले जाइए वहाँ पे आपको कंसिस्टेंट 5G स्पीड देखने को मिलेंगी, प्लस आपको देखने को मिलेगा बेटर 5G का सपोर्ट विथ बेटर बैटरी लाइफ के साथ। इसी के साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सपोर्ट वाईफाई 7 का, अल्ट्रा वाइड बैंड चिप का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है, इवन बिल्ट इन सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस प्रोसेसर में। और वीडियो रिकॉर्डिंग में बात करें तो हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए NPU का यूज करके आपको बेटर रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं फोटोज और वीडियोस में दोनों। और इवन जो रॉ कैमरा डेटा जो ISP से यहाँ पे जाएगा वहाँ पे NPU का प्रोसेस करके आप रियल टाइम में देख पाओ कि आपको आउटपुट यहाँ पर कैसा देखने को मिलने वाला है। इसका यूज फोटोग्राफी वीडियोस इवन 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग में इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये प्रोसेसर सिर्फ 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के कैपेबल है, 8K 60fps में वीडियो प्लेबैक पॉसिबल है। अगर 8K 60fps में अगर वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आ जाती तो वो एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर मेरे को लगती है। इधर ओवरऑल बात करें तो काफी प्रीमियम चिप है, काफी सारे नए एडवांसमेंट लेकर आ रहा है, कई सारी चीजें नई क्रिएट कर रहा है। अब बात करते हैं इसके फोन्स का यहाँ पे क्या सीन है। देखो पहले क्या होता था कि आपको कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता था स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट प्रोसेसर वाले फोन्स के लिए। इस साल कहानी बिल्कुल बदल गई है, अक्टूबर के महीने में चिप अनाउंस हो रही है तो नवंबर के महीने से फोन्स इंडियन मार्केट में देखने को मिलेंगे। इंडिया में जो पहला फोन लॉन्च होने वाला है वो है Realme GT 7 Pro, इसके बाद जो अगला फोन लॉन्च होगा वो होगा iQOO 13, इसके बाद जो अगला फोन लॉन्च होगा वो होगा आपका सैमसंग का गैलेक्सी S25, इसके बाद OnePlus 13 का नंबर है, इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। और अब कीमतों का भी अंत का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इस प्रोसेसर के साथ जो कीमतों जो इंक्रीमेंट हो रहा है अब वो वहां पे क्या रहता है, मोबाइल फोन की प्राइसिंग पे इसका क्या फर्क पड़ता है। और अगली चीज ये कि इतने सारे फीचर Qualcomm ने डालकर दे तो दिए, लेकिन कितनी कंपनीज होंगी, कितने OEMs होंगे जो इस सारे फीचर्स को अपने मोबाइल फोन के अंदर इनेबल करेंगे, ये देखने वाली बात है। अक्सर कई सारी कंपनीज यहाँ पे इनेबल नहीं करती फीचर को, तो वो एक देखते हैं और जब इनके मोबाइल फोन होंगे तब हम शायद एक और बात करें। लेकिन हाँ, आपको एक बात बता सकता हूँ, 8 Elite से एक जनरेशन यहाँ पे Qualcomm ने शुरू करी Oryon आर्किटेक्चर के साथ, और देख के ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये सारी टेक्नोलॉजी अपने अफोर्डेबल चिप्स में भी लाएंगे। और Oryon अगर नीचे वाले चिप्स के अंदर भी अगर आता है तो यहाँ पर आप एक बेटर एक्सपीरियंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो Qualcomm की जो चिप्स होंगी अक्रॉस द बोर्ड। तो दोस्तों यार ये होती है यहाँ पे कहानी स्नैपड्रैगन 8 Elite की। आप लोग क्या 8 Elite के फोन्स का इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।